देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रदीप सिंह राणावत ने बताया कि पुलिस कप्तान डी कल्याण चक्रवर्ती के निर्देश अनुसार तहसील हेडक्वार्टर पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार के साथ थाने पर उपस्थित टुकड़ी और गुजरात से आया जवानों के मौजूद बल के साथ पैरामेट्रिक फोर्सेज की एक कंपनी और शामिल की गई है। ये कंपनी हथियारधारी है, इनको साथ लेकर भीकनगांव के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य आम जनता और मतदाताओं को भयभीत करना नहीं है, अपितु संदेश देना था कि वो बिना किसी से प्रलोभित भयभीत हुए निसंकोच निर्भीक होकर अपना मतदान करें। भीकनगांव से खबर समय जगत के लिए संजय कुमार गीते की रिपोर्ट। आज जैसा कि पता है आपको परसों चुनाव है 28 तारीख को, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कल्याण चक्रवर्ती के आदेश पर हमने आज सभी जगह जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन सबके जितने हेडक्वार्टर्स हैं उन सभी पर आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जैसा कि आपने देखा ये हमारा फ्लैग मार्च था, फ्लैग मार्च कम डोमिनेशन मार्च, मतलब हम आम वोटर्स को मतदाता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से भयभीत होने की या किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना वोट बिना किसी अपनी निर्भीकता से व बहुत सोच समझ कर जिसको वोट करना चाहे उसको वोट दें। किसी प्रकार से किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रभाव में आना है, ना किसी से भयभीत होना है आपको। ये बताने के लिए हमारा एक डोमिनेशन मार्च था और आप देखिएगा इतना पर्याप्त फोर्स हमारे हमको मिला है। ये चुनाव हम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे और सभी वोटर्स को जो जिसको वोट देना चाह रहे हैं वो उसी को वोट दे, किसी प्रकार से उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।